नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। बेहतर समय आरंभ हो चुका है, महसूस कर रहे हैं ना? महसूस करिए। देखिए, संसार में सुख होता नहीं, सुख महसूस करना पड़ता है। जैसे आप दुख महसूस कर लेते हैं ना, वैसे सुख को भी महसूस करिए। परिवर्तन की इस वेला में महसूस करिए कि आनंद के क्षण आ रहे हैं, तभी आनंद का बीज उत्पन्न होगा, सुख का बीज उत्पन्न होगा। जैसा आप माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, जैसा चाहते हैं ना, वैसा माहौल बनाना पड़ता है। और यदि आप सृजनात्मक रहे तो प्रकृति आपका सपोर्ट करती है। तो आपके लिए राधे राधे। और अप्रैल माह में अच्छे अच्छे परिवर्तन हो रहे हैं। हमें पूरी आशा है कि आपके राशि और आपके लगन वाले बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि आपके राशि पे दो पार्टों पे शनि की ढैया भी खत्म हो रही है। एक पार्ट पे बचा रहेगा, लेकिन उसका भी प्रभाव कम हो जाएगा। सूर्यदेव उच्च की हो रहे हैं, लेकिन आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो शुक्र राहु युति की कर रहे हैं। शुक्र राहु युति अच्छी हो तो अचानक लाभ देती है, अच्छी हो तो चमका देती है, अच्छी हो तो कोयले को हीरा बना देती है, नागमणि योग में परिवर्तित कर देती है भाई। और खराब हो तो अभोकत योग बना देती है, भोग ही नहीं करने देगी। घर में थाली परोसी जाएगी और थाली के साथ साथ कुछ ऐसे वचन बोल दिए जाएंगे, खाने का टेस्ट ही खत्म हो जाएगा। प्रेम पूर्ण ढंग में जाओगे और पुरानी बातों को लेके ऐसी बातें बोल दी जाएंगी कि प्रेम करने का मन ही नहीं करेगा, खिन्न हो जाएगा। ठीक, कोई आपको भाई आपके घर में ही आपको थाली दे और अपमान ढंग पूर्ण से कह दे कि तू तो ले खाता रहता, ले होर ले ले खा ले, तेरे पास कोई काम नहीं है, खाने का मन करेगा क्या? टूट जाएगा। तो उसी तरह यह युति जो है दो तरह से लाभ देगी। अगर आपकी कुंडली में राहु महाराज अच्छे हैं, शुक्र महाराज अच्छे नक्षत्रों में स्थित हैं, तब यह राहु शुक्र युति आपको नागमणि योग दे देगी। कौन सी योग दे देगी? नागमणि योग दे देगी। डेफिनेटली आपको लाभ होगा। कहाँ कैसे? पहला, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन भाई 60 करोड़ लोग हैं तो थोड़ा सपोर्ट और ज़्यादा करिए ना। राधे राधे। तो कारोबार में विस्तार की योजना साकार होती हुई दिखाई देगी। पहला पॉइंट क्या होगा? कारोबार में विस्तार आप करना चाहते हैं तो विस्तार की योजना फलीभूत होगी। दूसरा, प्रेम का यदि आप प्रकटीकरण करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, ऐसे आप कितना भी बोल लीजिए, लेकिन जिससे आप प्रेम करते हैं उससे प्रेम के 3 शब्द आई लव यू बोलने में बहुत मुश्किल होता है, कंठ ही सूख जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। तो प्रेम का प्रकटीकरण करने का यहाँ पे आपको मौका मिलेगा। सिर्फ प्रकटीकरण नहीं करेंगे, अपितु तो अपने प्रेम के बारे में अपने घर वालों को ही बता देंगे। घर वालों को बताने की हिम्मत आप जुटा पाएंगे, ठीक है ना? उपहार प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। कौन? क्या प्राप्त होने का? उपहार प्राप्त होने का योग बन रहा है, तो उपहार भी आपको प्राप्त होंगे। खासकर आयात और निर्यात के यदि आप काम कर रहे हैं तो आयात निर्यात के कार्य करने में आपको पूर्ण सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। खासकर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं तो बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए श्रेष्ठ समय आपके लिए चल रहा है। इससे श्रेष्ठ समय ऑनलाइन के लिए अब नहीं चलेगा, श्रेष्ठ समय है। आप स्टार्ट करिए, आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, ठीक है ना? यूट्यूब पे आप जो भी रेसिपी लेके आ रहे हैं खाने बनाने के लिए, आप कारोबार लेके आ रहे हैं, अंक शास्त्र ज्योतिष जो भी कुछ लाना चाहें, यहाँ स्टार्ट करिएगा, लाभ मिलेगा। प्रेमी प्रेमिका से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। आपकी बुद्धि इस समय बहुत दूर तक सोच लेगी, ऑनलाइन काम फटाफट करेंगे, ऑनलाइन कार्यों में सफलता मिलेगी, अचानक लाभ मिलने के योग हैं। विदेश से भी
कार्य क्षेत्र में लाभ या कार्य क्षेत्र में परिवर्तन की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। आत्मविश्वास पूर्ण रहेगा, थोड़ा सा अध्ययन में रुचि कम बनेगी, किताबें रहेंगी लेकिन पता लगा आप ज्योतिष भी पढ़ रहे, कुछ भी पढ़ रहे हैं तो बीच में सरस सलील आ जाएगी, मनोहर कहानियां आ जाएंगी। प्रेम पूर्ण ढंग से जो वीडियोस हैं आपके मोबाइल में ज़्यादा चलेंगे, तो यहाँ पे धन लाभ होने की संभावनाएं हैं, व्यापार में लाभ होने की संभावनाएं हैं, प्रेम के प्रकटीकरण की संभावनाएं हैं, प्रेम विवाह होने की संभावनाएं हैं। बट शिक्षा क्षेत्र में यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए यह युति बहुत अच्छी नहीं बनेगी। शिक्षा क्षेत्र से आपका मन जो है ना कहीं प्रेम की ओर भाग रहा है, मन जो है चाहता है कि चल के कहीं बैठ के काफ़ी पिएं, कहीं नदी का तट हो, किनारा हो, तो किसी पुराने मित्र से सहयोग या रोजगार में सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। कार्य क्षेत्र में वृद्धि की संभावनाएं हैं, उपहार आपको मिलेंगे कुछ जो ये आजकल की दुनिया जैसे मोबाइल, स्मार्ट वॉच, अच्छे चश्मे, कुछ फैशनेबल इस तरह की चीज़ें उपहार आपको मिलता हुआ या उपहार देते हुए आप दिखाई देंगे। यह प्लस पॉइंट है, जबरदस्त माइनस पॉइंट होगा। कहते हैं कि पहले अच्छी चीज़ें बता दी जाए ना, फिर खराब चीज़ें बताई जाए, और मैं आपको बोलूं कि यह सब बहुत अच्छा होगा तो सब अच्छा कहाँ से होगा दोस्त? धोखे का योग बनेगा। क्या बनेगा? धोखा मिल सकता है। राहु शुक्र की युति धोखा भी देती है। राहु शुक्र की युति आपको ऐसे व्यक्ति से प्रेम करा सकती है जो धोखा देने में माहिर हो। क्यों? क्योंकि राहु यहीं पे विराजमान है और जो प्रेम का स्वामी छठवें घर में है वो इंद्रिय सुख खोज रहा है। भरणी नक्षत्र जो है ना, देखिए कहने के लिए मैं भी कभी कभी थोड़ा सा हल्का सा झूठ बोल देता हूँ, भरणी नक्षत्र को मैं बोल देता हूँ या भरण पोषण का नक्षत्र है, दरअसल यह नक्षत्र इंद्रिय सुख का है। भरणी का जातक या भरणी के जातिका के जीवन में वासना शारीरिक सुख की लालसा ज़्यादा होती है। आपके जो भी ग्रह भरणी नक्षत्र में है आप देख लीजिए उस पार्ट को या उस रिश्तेदार को जीवन में जिससे भी मिलता है उसके नज़रों में कला है मगर गंध है वासना की। क्या कला हो सकती है लेकिन जो नज़रिया है ना वो वासना वाला होता है। राहु शुक्र डगर को छोड़ता है, राहु शुक्र सिस्टम से नहीं चलने, राहु जो है शुक्र बोलता है सिस्टम से क्या, शुक्र कहता है नहीं भाई मैं उच्चता को हो रहा हूँ, प्रेम करूँगा और बैंड बाजा के साथ घर वालों को बताऊँगा बजाऊँगा, तो बोलता है अरे यार ठीक है वो हम काम कर लेंगे पहले चलो प्रेम करते हैं। तो राहु शारीरिक संबंधों में ले जाने के लिए तुरंत बोलता है जबकि शुक्र बोलता है रिलैक्स। तो राहु जनित लोग इस समाज में बहुत से राहु जनित लोग हैं जो अपना नाम झूठा बता के आपसे प्रेम करेंगे, अपना धर्म झूठा बता के आपसे प्रेम करेंगे, आपको फंसाएंगे, ठीक है ना। जो झूठ का आवरण क्रिएट करके आपको प्रेम करे, आपके धर्म के अनुसार आचरण करके आपको प्रेम करे, बाद में कन्वर्ट करे, फिर टुकड़े टुकड़े लोग कर देते हैं, इतने कमीने हैं। कुछ लोग होते हैं ना उनको आप कुछ भी कर लो वो सुधर नहीं सकते क्योंकि उनकी सिखलाई यही है भाई, उनको सिखाया यही जाता है, उनके लिए आप सिर्फ काफिर है, वो आप गलत फहमी में हैं कि आपके लिए है नहीं उनकी। हाँ जिस दिन अपने वो सिखलाई से हट के बात करेंगे, क्योंकि उससे हट के बात ही नहीं कर सकते, कितना भी ऊपर चले जाए ना वो वही बातें करेंगे, तो उनसे सावधान रहेगा, अपने बच्चों को सावधान करिएगा। किसको? आपके बच्चे जो बड़े हो रहे हैं 12 साल के 10 साल के यानी सॉरी 12 14 साल से लेकर 16 17 साल तक, वो इस तरह के कर्मकांडों में ज़्यादा फंस जाते हैं क्योंकि टीनेज है, अंदर से एनर्जी आती है, आजकल मोबाइल में आप कुछ भी चलाते रहे फालतू साइट ज़्यादा खुलती है, फालतू की साइटें ज़्यादा खुलती हैं बेवजह। फेसबुक चला रहे हैं तो लोग न्यूड वीडियो डाल दे रहे हैं, फेसबुक पर डाल दे रहे हैं, तो आपके बच्चे देखेंगे तो उनको लगेगा ये क्या है, करके देखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे प्रेम में धोखा मिलने का योग है, ठीक है। आपके अगर गुरु कुंडली में मजबूत है, केंद्र में है, त्रिकोण में है तो आपको बचा ले जाएंगे, गुरु मजबूत नहीं है तो प्रेम में धोखा। तो इसलिए भैया जल्दबाजी का काम शैतान का, रिलैक्स,
धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। प्रेम के छोड़ों को मोबाइल में मत कैद करिएगा। इस समय आपके पास हो सकता है फालतू की काले आना शुरू हो जाए। ऐसी काले आती हैं कि वीडियो कॉल आ गई और आप उठाए और अचानक उन्होंने अपना आपको दो मिनट में आपको समझ नहीं पाते, हो सकता है उनके हरकतों से आप भी कुछ हरकत कर दें, बाद में वीडियो बना लेंगे और फिर आपको ब्लैकमेल करेंगे। तो सावधानी हटी दुर्घटना सटी। तो अपने बच्चों को, खासकर जो टीन एज के बच्चे हैं, उनको सावधान जरूर करिएगा। क्या करें तो गुरु को मजबूत करके रखिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। येलो कलर का चंदन मस्तक में कंठ में नाभि में लगाइए। ब्लैक कलर के कपड़े अपने बच्चों को मत पहनने दीजिए। आपके बच्चे 31 तारीख से लेके और 23 अप्रैल के बीच में कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, थोड़ा सावधानी रखिए। मैं नहीं कहता कि उनको रूम में बंद करके रखिए, लेकिन किनके साथ उठ बैठ रहे हैं, दोस्ती है कोई बात नहीं, बेटा अपने दोस्त को लाओ चाय पे, हम भी तो देखें तुम किससे दोस्ती कर रहे हो, तो आपकी पार की नज़रें पकड़ लेंगी। आपको भी कोई अचानक प्रेम बरसा रहा है, कोई ज़्यादा स्नेह बरसा रहा है, देख लीजिए कहीं पे नज़र है और कहीं पे निशाना है, तो इससे सावधान रहिएगा। बकाया है युति आपको धनदायक युति में कन्वर्ट करेगी। क्यों? क्योंकि राहु और शुक्र परस्पर मित्र हैं। क्या? परस्पर मित्र हैं और रेवति में युति बनेगी। रेवति क्या? समृद्धि का नक्षत्र है। रेवति धनदायक नक्षत्र है, तो यहाँ पे धन समृद्धि की बात होगी। लेकिन एक पार्ट ये भी है, चूँकि गुरु कष्टम में है, गुरु कष्टम भाव में है, इंद्रिय सुख, इसलिए प्रेम इंद्रिय की ओर ज़्यादा भाग रहा है। तो शुक्र को ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः मजबूत करके रखिएगा। अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक बार त्रुटि अगर हो जाती है, और सेकेंडरी अगर मान लीजिए आपसे त्रुटि हो गई, मान लीजिए हम ये नॉर्मल कॉल है और इस पर कोई वीडियो कॉल आया, हम ही हैं उठा लिए, अब उसने वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया, कुछ छेड़छाड़ कर लिया, हमने कपड़े पहने हुए हैं और उसने कुछ वस्त्र हटा दिए, बाद में हमारे पास भेज दिया, अब हम क्या है गड़बड़ा गए, अरे क्या करें क्या ना करें। अगर आपका चंद्रमा ज़्यादा वीक है तो फिर लोगों को लगता है अरे बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, जीने से क्या फ़ायदा, कुछ इज्जती बेइज्जती नहीं, कोई इज्जती बेइज्जती नहीं। अगर आपके या किसी के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, बिल्कुल परेशान मत होना, हम मानवीय जीवन जो है ना इसी की देन है, मैथुनी क्रिया से ही जीव पैदा होता है, तो उसमें कोई टेंशन वंसन नहीं है। अगर किसी ने वीडियो बना लिया, बोलता है वायरल कर दूंगा, बोलो बेटा कर दे वायरल, मैं तो चाहता हूँ कि मैं लोगों तक जाना जाऊँ, तो इस तरह के अगर कभी मे भी चांस, भगवान ना करे किसी के साथ हो, बट हो जाता है, तो घबराना उड़ाना नहीं। ये लोग फ्रॉड होते हैं, ये आपको बोलेंगे हम यूट्यूब पे डाल देंगे, फेसबुक पे डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे, लास्ट में कहीं नहीं डाल पाएंगे, कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे, हाँ मेंटली प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और आपके बच्चों के साथ अगर हो जाता है तो उनको ज़्यादा, क्योंकि बच्चे डर जाते हैं, तो पड़ोसी क्या कहेंगे इसकी चिंता मत करिएगा। आपके अपने परिवार के, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। बच्चों से कोई त्रुटि अगर हो जाती है तो उसको प्यार से हैंडल समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि मैं जूता उठा के बताता हूँ, नहीं जी, त्रुटि तो हो गई भाई, गलती हो गई, तो आप संभाल लीजिएगा, क्योंकि बच्चे अपने हैं। वीडियो लंबा तो नहीं हो गया, कभी कभी लेक्चर भी आपको देता हूँ, अपना मानता हूँ इसलिए कह देता हूँ। शेष राधे राधे। उपाय एक परिहार क्या करें कि जिससे दुर्घटना ना हो। राहु जनित चीज़ों का दान करिए। बच्चों को काला काला कपड़ा बिल्कुल मत पहनाइए और अपराजिता का फूल लेके 7 बार सर पे ऐसे से उतार के शनिवार शनिवार डालते जाइए, ठीक है ना। उनको 9 दिन दुर्गा जी के मंत्रों का जाप कराइए, 32 नामावली का जाप कराइए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर आपको अपराजिता का फूल नहीं मिलता तो उनके हाथ से वो छोटा वाला पेप्सी कोको कोला आता है ना, उसको हाथ लीजिए, 7 बार उतरवाइए, बाथरूम में भलवा दीजिए, ये तो कर पाओगे ना। नील लीजिए, नील घुलवाइए उनके हाथ से बाथरूम में। बहुत से उपाय हैं, आप करना चाहो तो कुत्तों को रोटी देना शुरू कर दीजिए, राहु ज़्यादा प्रबल नहीं होगा। उनकी बेडशीट ब्लैक कलर की, या रूम में इस तरह के कलर जो ज़्यादा चमकीले कलर लगा रखे हैं कम करवाइए, सादगी से रहने दीजिए, चीज़ें बेहतर होंगी। चलिए राधे राधे।